हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बनाएंगे गोभी के कोफ्ते, फूल गोभी के कोफ्ते। बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देखना, नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये 1/2 kg फूल गोभी है, इसे मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। अब मैं इसे कद्दूकस करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये एकदम बारीक कद्दूकस करना है आपको। इसी तरह से मैं पूरा कद्दूकस कर लूँगी। अब हम इसमें नमक मिलाकर इसे 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे और हम उसके बाद ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो हमने लिया है इसमें 2 टमाटर और 7 से 8 जवा लहसुन के और थोड़ा सा अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। सबको हम एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये 10 से 15 मिनट हो गया है और इसमें मैंने जो पहले नमक लगा के रखा था तो इसमें पानी थोड़ा सा निकला है, तो इसे हम इस तरह से हाथ से निचोड़कर इसका पूरा पानी निकाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो एक मैंने बारीक प्याज काटा था वो मैं इसी में डाल दूँगी और थोड़ा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच बेसन और थोड़ा सा धनिया पत्ती। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसका बनाएंगे कोफ्ता। इसका हम गोल शेप देंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो मेरा तेल भी गर्म हो गया है, अब इसे हम तल लेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये कोफ्ते मेरे पक गए हैं, मैं इसे निकाल लूँगी। अब इसमें जो तेल ज़्यादा था वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जीरा और 3 तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग, और जो मैंने मसाला तैयार किया था भूनकर वो मैं इसी में डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। मैं इसमें डालूंगी मसाले, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। तो आप देख सकते हैं मसाला मेरा लगभग तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, इसे ढककर 10 मिनट तक वो पकाऊंगी मैं। ये देखो इधर सोया जा रहा है, अभी ट्यूशन पढ़ने का टाइम है तो सो रहे हो कि नाटक कर रहे हो? बाबू मार खाओगे अभी? पैर हटाओ, पैर हटाओ जल्दी से, छोटू उठो, उठो जल्दी से। अच्छा नाटक कर रहे हो, है नाटक चल रहा है इधर, है मेरा क्यों फेंक रहे हो? चलो वो पूरा करो अपना, बैठ के लिखो चल के। अरे यार क्यों,
कल तो पैर दर्द हो रहा था, नहीं पढ़े थे। आज क्या दर्द हो रहा है? आज तो पढ़ने का। क्या करोगे? पढ़ना है। तो फिर क्यों लेटे हो? 8 तो बजने वाले हैं ना, देख लो 8 बजने वाले हैं। अब टाइम नहीं कर लेते हैं। ये पाउच क्यों फेंक रहे हो? इसके अंदर ये रखेंगे ना। चलो पढ़ाई करो, पहले कुछ भी करते रहते हो, इधर उधर मस्ती करो, पढ़ते नहीं हो। हाँ चालू करो। ये नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर बैठ के पढ़ो। अब तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वो बेचारा नाटक कर रहा है। नाटक कर रहा है ना, ट्यूशन पढ़ने का टाइम हो रहा है ना, इसलिए इनको जब देखो चोट ही लगी रहती है। दिखाओ चोट, ये देखो कैसे चोट लग गई। इतना चोट लगा कि इसको बुखार आ गया चोट की वजह से। कुछ भी? क्या कुछ भी? डॉक्टर ने बोला। क्या बोला डॉक्टर ने? कि रेस्ट करना, स्कूल मत जाना और पढ़ाई मत करना, है ना? है ना? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं तो बोले कि स्कूल मत जाना। पापा ही तो बोले थे। मजा हो गया तुम्हारा और क्या? मजे ही मजे हैं। मुंह फैला रहे हो। तुम्हारा पूरा हुआ होमवर्क? लर्न करो फिर। तो ये पक गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी कोफ्ते। और कोफ्ते डालने के बाद मैं इसे गैस बंद कर दूंगी और 10 मिनट के लिए मैं ऐसे इसे ढककर रख दूंगी। आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। और आप एक बार ज़रूर बनाना, बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। तो आप हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। तो मेरे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट। बहकी